वेलकम बैक एवरीवन। 18 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा, सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को प्रेस रखना। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 क्या कहती है? हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2019 में भारत 112वें स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट किसने जारी किया है? देखिए, 112वें स्थान पर रहा है, चार पायदान की खराब स्थिति हो गई है इस बार। तो विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट जो है जारी किया। सालाना रिपोर्ट है, हर साल जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्ष 2019 की लैंगिक असमानता जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत लिंग असमानता के मामले में साल 2018 के मुकाबले 4 रैंक पिछड़ गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? आइसलैंड। आइसलैंड लैंगिक असमानता के मामले में विश्व का सबसे बेहतर देश बना हुआ है। इस देश में महिलाओं के साथ साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विश्व भर में लिंग भेद कम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी महिलाओं एवं पुरुषों के बीच स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, कार्यालय तथा राजनीति में भेदभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस देश ने 22 साल बाद लाहौर भागा शटल ट्रेन सेवा जो है वो फिर से शुरू कर दी है? किसने किया? देखिए, बाघा बॉर्डर अब पाकिस्तान तो होगा नहीं, इसमें एलिमिनेट कर दो, बांग्लादेश में नहीं होगा। इन दोनों में से किसी एक ने किया होगा, तो पाकिस्तान ने ऐसा किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये है लाहौर बाघा शटल ट्रेन सेवा। तो देखिए, इस ट्रेन को दोबारा शुरू करने के बाद अब लाहौर से बाघा बॉर्डर तक आने जाने वाले यात्रियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस ट्रेन के शुरू हो जाने के बाद अब लाहौर से बाघा बॉर्डर तक जाने वाले यात्रियों को समय कम लगेगा। और पाकिस्तान ने हाल ही में 22 साल बाद दोबारा लाहौर और बाघा के बीच शटल ट्रेन सेवा फिर से शुरू की है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रसीद ने 14 दिसंबर 2019 को इस ट्रेन का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लाहौर बाघा शटल ट्रेन सेवा इस कड़ी में पहला कदम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अब महिलाओं को अकेले रेस्टोरेंट या रेस्तरा में जाने की अनुमति दे दी है? किसने दिया इनमें से? देखिए, सऊदी अरब ने दिया, ये अभी तक नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सऊदी अरब सरकार के द्वारा अब रेस्तरा में अकेले महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। इससे पहले सऊदी अरब में महिलाओं को अकेले रेस्टोरेंट में जाने का अधिकार नहीं था। किसी महिला को कानूनी तौर पर अकेले रेस्टोरेंट में प्रवेश करने पर प्रतिबंध था। इससे पहले किसी पुरुष रिश्तेदार के साथ ही रेस्तरा में प्रवेश वो कर सकती थी, लेकिन सऊदी अरब सरकार ने अब इस प्रतिबंध को जो है वो हटा दिया है। सऊदी अरब में अब पुरुषों एवं महिलाओं के बीच होने वाले भेदभाव को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सऊदी अरब में लगातार कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के राजा भारत की 5 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुँचे हैं? किस देश के राजा हैं? स्वीडन के राजा हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हैं स्वीडन के राजा, ये हैं भारत के प्रधानमंत्री, 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। तो स्वीडन के राजा, नाम क्या है इनका? कार्ल गुस्ताफ सोलवे। कार्ल गुस्ताफ सोलवे जो है वो एयर इंडिया के विमान से भारत दौरे पर पहुँचे, और उनके साथ उनकी पत्नी सिल्विया भी आई हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है जब शाही जोड़े ने किसी देश की सरकारी यात्रा हेतु कॉमर्शियल फ्लाइट का उपयोग किया है। स्वीडन के राजा कार्ल सोलवे गुस्ताफ एवं रानी सिल्विया जो है हाल ही में 5 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने हेतु पीएम मोदी और स्वीडन के राजा के बीच चर्चा हुई है। अब बात करते हैं स्वीडन की। तो देखिए, स्वीडन ने अभी हाल ही में CCPI का जो है उसकी अध्यक्षता की है, जिसको ठुकरा दिया था चिली ने, स्पेन के मैड्रिड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी है, जिस पर बहुत विवाद चल रहा है? तो राष्ट्रपति ने दी है, प्रधानमंत्री तो देंगे नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं, और भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं। तो राष्ट्रपति, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कोविंद। तो देखिए, नया कानून नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव करेगा।
और इसके तहत 31 दिसंबर 2014 तक धर्म के आधार पर प्रताड़ना के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के लोगों को अवैध रूप से घुसपैठिया नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी, जिसका विरोध पूरे भारत में चल रहा है। रामनाथ कोविंद ने हाल ही में नागरिकता संशोधन विधेयक बिल जो है 2019 को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कानून बन गया है। इसके साथ ही यह जो कानून है पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में देखिए 9 दिसंबर 2019 को विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थी सना मारिन, अब किस पार्टी से हैं ये? इस तरह से ही प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए। ये है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये जम्मू कश्मीर को किया गया है, जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो राजधानी है इसकी श्रीनगर, और वर्तमान में यहाँ डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए हैं? 22, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 5 दिनों तक चलने वाला तानसेन समारोह कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ पर शुरू हुआ? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की 5वीं बैठक कौन सी बैठक, 5वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो देखिए ये नई दिल्ली में संपन्न हुई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नई दिल्ली की कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली की दिल्ली, मुख्यमंत्री सभी को पता होगा अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। कौन सी नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के कार्निवल ऑफ आल्स्ट को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची से हटा लिया है? कार्निवल ऑफ आल्स्ट को, तो बेल्जियम की थी ये, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने बेल्जियम के कार्निवल ऑफ आल्स्ट को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची से जो है वो हटा लिया है 2019, और 2019 के दौरान कार्निवल परेड में नस्लवादी और यहूदी विरोधी एक प्लॉट का प्रदर्शन किया गया, जो कि रूढ़ीवादी यहूदियों का मजाक बनाने के लिए प्रदर्शित किया गया था। अच्छा, इसी की वजह से किया गया, और इस कार्निवल को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो है शामिल किया गया था, और 19 में इसको हटा लिया गया। अब बात आती है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का गठन कब हुआ था? 4 नवंबर 1946 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। और यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले। तो याद रखना कार्निवल ऑफ आल्स्ट बेल्जियम का है, जिसको हटा लिया गया नस्लवादी परेड के ऊपर यहूदियों का मजाक बनाने के लिए। तो ये 10 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे। अब आज का प्रश्न है कि वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत में भारत की कितनी धरोहर शामिल हैं? इम्पोर्टेंट है प्रश्न, बताइए 36, 38, 37 या 35। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।